ये हमारे बच्चे जो हैं हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ जो है मेडिकल कैंप लगा हुआ है, तो इन सब बच्चों को जो है डॉक्टर्स की टीम जो है वो चेक करेगी। तो इस तरह से हम लोग जो हैं अभी यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। कुछ बच्चे जो हमने आगे गाड़ी में भेज दिए हैं, कुछ हमारे साथ बैठे हैं, हमारा प्रियल भी बैठा है इधर ऊपर। हमें डॉक्टर मिलेंगे तो हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। अभी हम लोग जो हैं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में पहुंचने वाले हैं, हाई स्कूल भटने। हमारे बच्चे जो हैं उनका मेडिकल चेकअप जो है वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मेडिकल टीम जो है वो हमारे यहाँ पहुँच गई है हाई स्कूल भटनी में। और ये हमारे स्कूल के अनुज जी हैं, सारे बच्चे जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। कितने साल के हो? कितने साल के हो आप? 9 साल। दांत आपके भी सड़ रहे हैं, ब्रश किया करो, ठीक है? अच्छा दिलेर सिंह जी, आप डॉक्टर साहब के पास गए थे, आपको कैसा लगा? सर अच्छा लगा। अच्छा, उन्होंने क्या क्या पूछा आपको? उन्होंने पूछा मुंह खोलो और बोला ब्रश करा करो। वेरी गुड। और क्या क्या देखा आपका? और आंखें देखी, हैंड देखी। वेरी गुड। तो आपको अच्छा लगा? यस सर। अच्छा, जो डॉक्टर साहब ने बोला है तो उस तरह से आप लोगों ने क्या करना है करना है, ठीक है? समझाई? ब्रश करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और दूध पीना है, ठीक है? समझाई? और डेली एक्सरसाइज करनी है, नहाना है, धोना है, ठीक है? हाँ, तो ठीक है फिर। अच्छा वीर सिंह जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवन। अच्छा, आप डॉक्टर साहब से मिलने गए थे तो कैसा लगा आपको? सर अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपको? बोला कि दूध पिया करो, हैं? और अपनी सेहत का जो है वो क्या करना है, ख्याल रखना है। और ये जो आपको कार्ड दिया है, ये जो भी आपकी वो उन्होंने बताया है, जो भी डेफिशिएंसीज हैं आपको, तो आपने उसके हिसाब से जो है अपना ख्याल रखना है, ठीक है? थैंक यू। प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बच्चों, अभी हम लोग डॉक्टर साहब से मिलके आए हैं, है ना? यस सर। तो आप लोगों को कैसा लगा? सर अच्छा। अच्छा लगा ना? यस सर। तो डॉक्टर साहब ने देखो आप सब लोगों को ये कार्ड दिए हैं, ये है ना? यस सर। तो इनको आपने घर में जाके पढ़ना है, ठीक है? इसके ऊपर कौन कौन सी डिजीजेस के बारे में लिखा हुआ है, समझाए? यस सर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम है, ठीक है? जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, जो बच्चा 0 से 6 इयर्स की एज तक से है ना, जो पैदा होते हुए और 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा है, उन सब की स्क्रीनिंग करनी है। तो आप सब बच्चों को डॉक्टर साहब ने चेक किया ना? यस सर। उसमें जो डॉक्टर साहब ने वर्बली बोला, कुछ जो खास डिजीजेस हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, एक डिजीज है जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी, मतलब बच्चा ऐसे डफर जैसा होता है, बच्चा अच्छी तरह से बातें समझ नहीं सकता है, या उसकी ग्रोथ जो है वो कम होती है, ठीक है? तो इस किस्म का अगर हमारे पास कोई बच्चा है, हमारे कहीं भी किसी भी एरिया में है, तो हमने क्या करना है, वो अपने जो हमारे MOS है, मेडिकल ऑफिसर है, जैसे हमारे PSC भटनी में भी है, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम देखते हैं हमारे मैक्स ज्यादा बच्चे नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यहाँ से, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, खंडे होते, ठीक है? तो
तो उनके जो टिश्यूज हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं या उनका तालू फटा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं अगर कहीं भी आपके किसी भी एरिया में है तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको जो है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कीम है, इस स्कीम के तहत उन बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, समझे। yes, तो वहां बच्चों का काफी रश था चेक करने के लिए, डॉक्टर साहब ने बोला था कि बच्चों को आप इन चीजों के बारे में अवेयर करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आपने अपने तमाम साथियों को इन बीमारियों के बारे में बताना है। खासकर ये जो आपके पास ये आपका जो ये कार्ड है इसके ऊपर पूरी तरह से यहाँ ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग एंड रेफर ये जो ये वाला जो है, ठीक है, समझ रहे। तो इसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है तो इसको आपने समझना है। हम भी आपको समझाएंगे या कोई भी आपके घर में पढ़ा लिखा है तो वो अच्छे तरह से इन डिजीजेस के बारे में समझ सकता है, पढ़ सकता है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल है, आप कहीं से भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चों के जो फुट्स हैं वो क्लब टेढ़े हैं, ठीक है ना, पाँव टेढ़े हैं, तो उनका भी जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार करती है। कंजनेटल कॉन्ट्रैक्ट की किसी को डिजीज है, बच्चा जो है छोटा बच्चा जो है वो क्या करता है, वो पूरी तरह से चीजों को फॉलो नहीं करता है, आंखें पूरी तरह से झपकाता नहीं है या आंखों के अंदर उसको फोले हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई बीमारी है, ठीक है, ये कंजेनिटल डिजीजेस वो होती हैं जो बाईपास होती है, जो आदमी अपने साथ ही लेके आता है। इसी तरह से कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, अगर किसी बच्चे का जो हार्ट है वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को आप देखते हैं, छोटे बच्चों को ये बोलते हैं दिल में इसको सुराख है, बोलते हैं ना इस तरह की, लोग कहते हैं बच्चे को बेहद पैदा होते ही दिल में सुराख हो गया या ये हो गया। अगर कोई हार्ट के रिलेटेड भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो है वो इलाज होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने हमें नंबर दिया हुआ है, हम सब आप बच्चों को नंबर दे देंगे। अगर किसी को भी आपको कोई इस किस्म का बच्चा मिलता है, आपने उसको अवेयर करना है, उनको बताना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका सारा इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, समझे। तो और बहुत सारी बीमारियां जैसे विजन इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, न्यूरोमोटर इंपेयरमेंट है, ठीक है, किसी माँ को कोई प्रॉब्लम है, कोई सुन नहीं सकता है। देखिए अगर 29 डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, इन सारी डिजीजेस का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। स्किन की कंडीशन अच्छी नहीं है, डेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, दांतों में दिक्कत है, समझ आए। तो इस तरह की हमारे बहुत सारे बच्चों को जो है डॉक्टर ने वहां जो मेडिकल टीम थी तो उन्होंने हमें दवाइयां भी दी हैं, जैसे हमारी ये बच्ची है इसका उन्होंने ब्लड टेस्ट किया था, है ना। तो इस तरह से आपने सारा जितना आपका ट्रीटमेंट है दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने सिर्फ डॉक्टरों के पास अप्रोच करनी है, अपनी चीज जो है वो अपनी डिजीज जो है वो छुपानी नहीं है। और हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो, हमारा जन जन जो है वो सेहतमंद हो, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की कर सकता है, ठीक है। Yes.